हेलो स्टूडेंट्स आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड चिल्ड्रन इन जी के टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनवायरमेंटल टर्म्स सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बच्चे यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स दी गई हैं वो किस चीज़ से रिलेट करती हैं आपको वहाँ पर उन्हें उनसे मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी फर्स्ट बायो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एक वर्ड है ये किसके लिए कहा जाता है ये कहा जाता है आपका द वायटी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया और इको ठीक है उस एरिया में जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं ठीक है उस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं सेकंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट अब किसे कहा जाता है ये कहा जाता है आपका द वार्मिंग अप ऑफ द एटमोसफेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सनस हीट बाय द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरो फ्लोरा कार्बंस एक्सेट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट में बच्चों क्या किया जाता है यहाँ पे आपका एक बॉक्स जैसा एक प्लेस होता है ठीक है वहाँ पे आपकी सन हीट को क्या किया जाता है ट्रैप किया जाता है बाय ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं गैसेज ये होती हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरो फ्लोरो कार्बन एक्सेट्रा ठीक है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं थर्ड है हमारा फूड पिरामिड अब फूड पिरामिड किसे कहा जाता है बच्चों ये कहा जाता है अ फिगर दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ मटीरियल दैट पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर ठीक है ये एक तरह का आपका पिरामिड होता है जिसमें आपके फूड के लेवल को दर्शाया जाता है जो कि उसकी क्वालिटी ऑफ मटीरियल को क्या करता है डिस्क्राइब करता है क्वालिफाई करता है फोर्थ एक्सटेंक्शन अब एक्सटेंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और डिसअपियंस ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ जो प्लांट्स और जो एनिमल्स जो हमारी धरती से विलुप्त हो चुके हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट कहते हैं ठीक है तो जब वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं एक्सटेंक्शन कहते हैं मतलब वो हमारी धरती से परमानेंटली विलुप्त हो चुके होते हैं फिफ्थ बेंथोस बेंथोस किसे कहा जाता है बेंथोस कहा जाता है एनिमल्स और प्लांट्स विच लिव्स एट द बॉटम ऑफ द सी और लेक वो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सी लेक के नीचे रहते हैं मतलब सी और लेक के नीचे रहते हैं बॉटम पर रहते हैं उन्हें हम बैंथोस कहते हैं सिक्स बायोस्पेयर बायोस्पेयर जो होता है वो एक टर्म को आइडेंटिफाई करता है कौन सी टर्म द स्पेयर ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द हाइड्रोस्पेयर वाटर ऑन अर्थ द लिथोस्पेयर लैंड सरफेस एंड द एटमोस्फेयर तो बच्चों बायोस्पेयर एक ऐसा स्पेयर होता है जो कि वाटर से ऊपर होता है ठीक है और एयर से नीचे होता है मतलब ये लैंड के आसपास होता है लैंड सरफेस के ये कहाँ होता है टच में होता है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं उसको बायोस्पेयर कहते हैं सेवन्थ पैरासाइट्स अब पैरासाइट्स किसे कहा जाता है पैरासाइट्स कहा जाता है आपके द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर प्लांट्स और एनिमल्स ठीक है प्लांट्स में से कोई दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स उनका न्यूट्रिशन छीन लेते हैं या डिराइव कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं पैरासाइट कहते हैं एट्थ है डिफॉरेस्टेशन अब डिफोरेस्टेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो गे लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑफ अ फॉरेस्ट सो दैट दे के नॉट रीग्रो दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है किसी लार्ज जगह पे मतलब किसी फॉरेस्ट में से सारे ट्रीज को क्या कर देना कट कर देना उन्होंने इस तरह से कट कर देना कि दोबारा से वो वहां पे रीग्रो ना हो सके ठीक है तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं नाउ नाइन्थ सॉइल इरोजन अब सॉइल इरोजन का मतलब तो आप समझ ही रहोगे द वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स सच एज रनिंग वाटर विंड वेव्स एंड ग्लेशियर्स सॉइल की जो ऊपर की परत होती है वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बहा ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं सॉइल इरोजन होते हैं इसमें क्या होता है आपका एक जगह से सॉइल की जो ऊपर लेयर होती है वो बहा कर या हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाया जाता है तो इसीलिए उसे सॉइल इरोजन कहते हैं नाउ नॉलेज कॉर्नर पैरासाइट्स सच एज फ्ली एंड लीज दैट लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ आर बॉडी आर कॉल्ड एक्टो पैरासाइट्स पैरासाइट जैसे कि आपकी लीज़ होती हैं फ्लीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के आउटसाइड रहती हैं लीज़ मतलब जैसे आपकी जुएँ होती हैं वो आपके सर पे क्या करती हैं आपके सर के स्किन से वो चिपक के आपका खून या आपका ब्लड क्या करती हैं सक करती हैं तो उन्हें एक्टो पैरासाइट्स भी कहा जाता है तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको बहुत नॉलेज भी मिली होगी तो अब आपको इसका रिविज़न और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है